अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण टेक। और साथ में मैं हूं रुबियुल हसन। आज की वीडियो में बैंक मास्कट मोबाइल बैंकिंग न्यू यूजर लॉगिन करने का तरीका बता दूंगा। हो सकता है आप मोबाइल चेंज किया, नहीं तो मोबाइल को फॉर्मेट किया, तो इस वजह से यूजर आईडी और पासवर्ड डालने से लॉगिन नहीं होता है। तो इसकी मतलब आपकी नया फोन में बैंक मास्कट अकाउंट को न्यू यूजर वेरीफाई करना पड़ेगा। मेरा वीडियो की कॉर्नर में आई बटन में क्लिक करिए, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। यहाँ बैंक मास्कट एटीएम सीडीएम और मोबाइल बैंकिंग के बारे में बहुत सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो में एक लाइक किए जी और कमेंट करिए, और आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर करिए। हो सकता है आपकी एक शेयर की वजह से बहुत सारे आदमी को फास्ट इस वीडियो पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कैसे नया मोबाइल में बैंक मास्कट अकाउंट को न्यू यूजर लॉगिन करते हैं। दोस्तों आपने बैंक मास्कट अकाउंट को जिस मोबाइल में लॉगिन करना चाहता है उसी मोबाइल से बैंक मास्कट सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए। बैंक मास्कट सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद थोड़ा भी कुछ फॉर्मेशन मांग सकते हैं। जितना सारा फॉर्मेशन मांगेगा आपने इतने सारा फॉर्मेशन में अलाउ कर देना है। इसके बाद वेलकम टू बैंक मास्कट इसी ऑप्शन में नेक्स्ट में क्लिक करना चाहिए। बाद में इजीली एक्सेसिबल ऐसा एक पेज आ जाएगा, तो यहाँ में फिर नेक्स्ट में क्लिक करना चाहिए। इसके बाद स्कोर एंड फास्ट इसी ऑप्शन में लेट्स गेट स्टार्ट में क्लिक करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्ट में क्लिक करने के बाद आपकी आगे ऐसा एक पेज मिल जाएगा। यहाँ तीन ऑप्शन है, लॉग इन, न्यू यूजर, न्यू फोन। दोस्तों आपने पहले कोई मोबाइल में अगर आपकी बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया है तो दूसरा मोबाइल में फिर जब आपने आपकी अकाउंट लॉगिन करने जाएगा उसी टाइम में लॉगिन नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ से न्यू फोन ऑप्शन से आपकी अकाउंट वेरीफाई करना चाहिए। तो इसीलिए इसमें न्यू फोन ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। इसके बाद गॉट ए न्यू फोन इसी ऑप्शन में नेक्स्ट में क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, इसमें है लॉगिन विथ क्रेडेंशियल्स, इसके नीचे है एक्टिव फोन नाउ। आप लोगों ने एक्टिव फोन नाउ में क्लिक किए जी। इसके बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, इसमें ऊपर फ़ोन नंबर की एक ऑप्शन है। आपने बैंक मास्कट में जो फ़ोन नंबर इस्तेमाल कर रहा है उसी फ़ोन नंबर अभी इसमें डालना चाहिए। तो मैं मेरा बैंक का फ़ोन नंबर डालते हैं। फ़ोन नंबर डालने के बाद नीचे है व्हाट इज़ योर डेबिट कार्ड नंबर, तो आपकी बैंक कार्ड का ऊपर जो 16 डिजिट वाला नंबर है इसको डेबिट कार्ड नंबर बोलते हैं। तो इसमें अभी आपकी डेबिट कार्ड नंबर डालना चाहिए। मैं मेरा डेबिट कार्ड नंबर डालते हैं। डेबिट नंबर डालने के बाद नीचे है व्हाट इज़ योर डेबिट एटीएम कार्ड पिन। बैंक मास्कट एटीएम मशीन से रियल निकलने का टाइम 4 डिजिट वाला जो पिन कोड डालते हैं अभी इसमें उसी पिन कोड डालना मांगते हैं। तो मैं मेरा कार्ड की पिन कोड डालता हूँ। पिन कोड डालने के बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। इसके बाद थोड़ा टाइम प्रोसेस होगा। इसके बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, अभी बैंक मास्कट से एक मैसेज भेजेगा, तो उसी मैसेज में एक कोड नंबर है, उसी कोड नंबर लेके इसमें डालना चाहिए। अगर आपकी नंबर दूसरा कोई मोबाइल में है तो उसी मोबाइल से कोड नंबर लेके इसमें डालना चाहिए। तो मेरा इसमें ऑलरेडी मैसेज आ गया, तो सिम कार्ड इसी मोबाइल में है इसीलिए इसमें ऑलरेडी कोड नंबर एंट्री हो गया। तो कोड नंबर एंट्री होने के बाद इसमें कन्फर्म में क्लिक करना चाहिए। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम प्रोसेस होगा। इसके बाद एक्टिवेट न्यू फोन ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें अभी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डालती हूँ। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद नीचे है आई एक्सपेक्ट द टर्म एंड कंडीशन, इसी ऑप्शन में राइट मार्क करना चाहिए। राइट मार्क करने के बाद नीचे सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा टाइम प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, तो यहाँ में आप लोगों ने देखते हैं सक्सेस बता रहा है, यानी मेरा नया फ़ोन में बैंक मास्कट की अकाउंट वेरीफाई कंप्लीट हो गया। तो अभी यहाँ से डन ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए, थोड़ा टाइम प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ अभी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना चाहिए, तो मैं मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालता हूँ। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन की ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, थोड़ा टाइम प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद देखते हैं यहाँ मेरा अकाउंट ओपन हो गया, यानी मेरा नया मोबाइल में बैंक मास्कट अकाउंट लॉगिन कंप्लीट हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता लग गया
कैसे नया मोबाइल में बैंक मास्कट अकाउंट को लॉगिन करते हैं। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने थोड़ा भी कुछ सीखे तो एक लाइक कर दिए जी और कमेंट करिए और दोस्त लोग के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपकी एक शेयर से बहुत सारे आदमी इस वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो इस तक, खुदा हाफिज़।